महिला आरक्षण बिल पास होने पर भाजपा मुख्यालय में जश्न का माहौल है। महिला मोर्चा की ओर से पीएम मोदी का अभिनंदन किया गया। महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री का बयान भी आया। ले देश की लोकतांत्रिक यात्रा का ऐतिहासिक क्षण है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयां। राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार करता हूं। सर्वसम्मति में से बिल के पास होने से बहुत ही उत्साहित हूं। तो प्रधानमंत्री और साथ ही साथ आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से जो महिलाएं हैं अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन एंड वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस अवर थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू अवर ऑनरेबल पीएम। थैंक यू। तो आपने सुना कि महिलाएं और साथ ही साथ दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है। ये आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं अपनी, ये आप दिल्ली की तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया गया और दोनों सदनों में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। गौरवीय क्षण है, महिलाओं को आरक्षण आदि आबादी को अधिकार मिला है। जश्न जोरदार है और अद्भुत अविश्वसनीय है। ये जब पास हुआ तो देखिए अब महिलाएं खुश नजर आ रही हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन भी कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही खास तस्वीरें ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जब प्रधानमंत्री मोदी को बुके देकर फ्लावर्स देकर सम्मानित किया जा रहा है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए आप महिलाएं यहां पर हैं। तो दोनों ही सदनों में ये बिल पास हो गया और उसके बाद खुशी की लहर। तो अद्भुत अविस्मरणीय ये पल, नारी शक्ति वंदन, पीएम का अभिनंदन किया गया। इस ऐतिहासिक कदम में करोड़ों लोग साक्षी बने और इतिहास रच दिया गया इस बिल पास होने के बाद। देखने के लिए मिल रहा है कि घर चलाने वाली महिला अक्षर सा सोच वाली होती है और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीने के लिए खड़ी रहती है, जिलाने के लिए खड़ी रहती है। यह त्याग तपस्या की महिला को आज वो अधिकार मिला है, इसलिए प्रधानमंत्री जो हम लोग को समझे है, सोचे है महिलाओं को, इसलिए उनका अभिनंदन कर रहे हैं। उस स्थान को देने के लिए भी अभिनंदन कर रहे हैं। अब जो आरक्षण है ओबीसी की, तो मैं भी महिला हूँ और जो संघर्ष करेगा वो आएगा। कोई जरूरी नहीं कि ओबीसी करो, दलित करो, पिछड़ा करो, वंचित करो, जो महिला महिला है और महिला ने अच्छा काम करेगी आएगी काम करेगी, वो समाज के बीच में हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्या थी, कितना संघर्ष की और किस तरह का काम की जो आज राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर रही है, इसको देखने की चीज है, सोचने का चीज है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, आधी आबादी को अधिकार मिला। तो ये तस्वीरें इस ऐतिहासिक पल की सब साक्षी बने और आप देख सकते हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक को दोनों सदनों में पास कर दिया गया, उसके बाद इतिहास रचा गया। तो गौरव में क्षण, महिलाओं को आरक्षण मिला। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राज्यसभा के सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। सर्वसम्मति से ये बिल पास हुआ। बिल के पारित होने से नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व, महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बीजेपी मुख्यालय से ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महिला मोर्चा की ओर से पीएम का अभिनंदन किया गया। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं ने अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर में वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद यहाँ से संबोधन करेंगे और क्या कुछ इस संबोधन में होगा ये देखने वाली बात होगी।
जरूर महिला आरक्षण बिल को लेकर जो भी वो चीजें कहेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों को यहाँ पर इंतजार, बड़ी तादाद में यहाँ लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए हैं। और बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन करेंगे और इस संबोधन में क्या कुछ कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय ये पल है जहाँ पर नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ दोनों सदनों में और इतिहास रचा गया इस बिल के पास होने से। तो कुछ ही देर में, कुछ देर का इंतजार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार महिलाओं में उत्साह। तो ये कानून नहीं बल्कि माताओं के लिए है। इस ऐतिहासिक कदम में करोड़ों महिलाओं को शक्ति, साहस और सामर्थ्य। महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी मुख्यालय में ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दोनों सदनों में ही महिला आरक्षण बिल पास हो गया है और उसको लेकर ये आयोजन है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे और अपना संबोधन करेंगे, लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पहुंच चुके हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सच बेधड़क आपको दिखा रहा है बीजेपी मुख्यालय से, जहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, इतिहास रचा गया इस दोनों सदनों में, महिला आरक्षण बिल पास हुआ तो गौरवमयी ये क्षण है। और प्रधानमंत्री ने भी राज्यसभा के सांसदों को, सबको बधाई भी दी है। तो आधी आबादी को अधिकार मिला, जश्न जोरदार हो रहा है। और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगे बढ़ते हुए मुख्यालय की तरफ। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए। राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। राजीव, क्या कुछ जानकारी, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बीजेपी की महिला सांसद और तमाम पदाधिकारी पहुंचे हैं। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा। क्योंकि देखिए, महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बहुत ही उत्साहित हैं और इसी क्रम में स्वागत किया जाएगा। क्योंकि 27 साल के बाद जो है यह बिल पास हुआ, 27 साल से लगातार प्रयास किया जा रहा था, कई सरकार आई और गई लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन में कहा था कि ईश्वर ने स्थान के लिए हमें चुना है। तो बिल्कुल देखा जाए तो बिल जब दोनों सदनों में कल पास हुआ, उसके बाद ही प्रधानमंत्री का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पार्लियामेंट के अंदर तमाम महिला सांसद ने अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। लेकिन बीजेपी मुख्यालय में जो है स्वागत करके एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। और इसी क्रम में जो है जेपी नड्डा पहुंचेंगे और तमाम पदाधिकारी अभी पहुंचने के क्रम में है और धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, देखिए कुछ प्रधान, देखिए बड़ी संख्या में हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर हैं। और जो भी संबोधन प्रधानमंत्री का होगा राजीव, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अद्भुत या अविश्वसनीय पल है जब ये दोनों सदनों में बिल पास हो गया और सर्वसम्मति के साथ ये बिल पास हुआ। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है, देखिए पहला ऐसा बिल है कि सर्वसम्मत से, और भले ही सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना क्रेडिट लेने के लिए कर रही थी कि मेरे कार्यकाल में आया, मेरी सरकार ने इसका पहल किया था, लेकिन सर्वसम्मत से पास हुआ है। सिर्फ लोकसभा में जो सांसद वो सुदीन ओवैसी के और क्या उनके पार्टी के सांसद ने इसका विरोध जताया था, लेकिन राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में सर्वसम्मत से पास हुआ और लोकसभा में भी विरोध तो सभी लोगों ने किया, लेकिन सभी ने अपना सपोर्ट किया महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो ये कहा जा सकता है कि इतिहास के सुनना एक नया अध्याय जुड़ गया राजनीति में, भारतीय राजनीति में, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। और आने वाले समय में जो महिलाओं का जो हक था, जो अधिकार था, जिनकी बातें होती थी, अब उनको आने वाले समय में मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार विपक्ष के जो नेता हैं, सांसद हैं, अभी इसमें एक तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए था या यह बदलाव होना चाहिए था। इसमें सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि जो यह कानून है, जो जो विधेयक है, अभी कानून बनेगा और इसमें संविधान दिया
गया कि 15 साल के बाद एक बार फिर इस पर विचार किया जाएगा कि क्या इसे आगे बढ़ाया जाए या इसमें क्या कुछ सुधार करना है, उस समय देखना होगा। फिलहाल महिला आरक्षण बिल पास होना जरूरी था, तो दो दो सदनों में पास हो गया है और इसको लेकर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। धीरे धीरे तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी बीजेपी मुख्यालय आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस तरह बीजेपी तैयारी जुटी हुई है। जी राजीव, बिल्कुल देखिए, हम महिलाओं के हाथ में पोस्टर्स भी देख सकते हैं, तो बहुत ही खास ये पल दिखाई दे रहा है, तस्वीरें भी बहुत खास है। लेकिन देखिए, जब ये बिल पास होने की बात हो रही थी, जब विशेष सत्र की हम बात करते हैं, उससे ये पता चला था कि विशेष सत्र बुलाया गया है, तो भी बयानबाजी बहुत तेज हो गई थी। और अब बिल पास होने के बाद देखिए, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, दोनों में खुशी की लहर है, लेकिन कहीं ना कहीं बयानबाजी अभी भी जारी जरूर है। बिल्कुल, देखिए राजनीति है और राजनीति में हर नेता जो है अपने हिसाब से पॉलिटिकल माइंडेड देने की कोशिश करता है, और कांग्रेस की बात कीजिए या दूसरे राजनीतिक दलों की बात कीजिए, सभी लोग अपने हिसाब से अपना बखान कर रहे हैं कि हमने किया हमने किया। लेकिन सच्चाई यही है कि देखिए, इंडिया का जो घटक दल है उसमें तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि इसी समय जब यूपीए की सरकार थी और बिल को लाने की कोशिश कर रही थी तो लोग विरोध कर रहे थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री का बिल पावर है, जो इच्छा शक्ति है कि ये सब तमाम डिसाइड होने के बाद दोनों सदनों में अभी सर्वसम्मत से पास हुआ है, तो ये बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और भारतीय राजनीति में नया अध्याय हुआ है, क्योंकि आदि आबादी को अब उनका अधिकार मिलेगा, सब सीमन होगा। पर सीमन के बाद जो जानकारी मिल रही है कि 2029 के उससे पहले जो है यह महिलाओं को जो आरक्षण है वो मिलने लगेगा राजनीति में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी के लिए। तो आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर आएंगे और अपना संबोधन देंगे। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, महिला आरक्षण बिल पास होने पर प्रधानमंत्री का बयान भी आया कि देश की लोकतांत्रिक यात्रा का एक ऐतिहासिक ये पल है, 140 करोड़ भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, राज्यसभा के सभी सांसदों को शुभकामनाएं दी हैं। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब इस विशेष सत्र की बात हो रही थी, विशेष सत्र से पहले ऐसा कहा गया था कि विशेष सत्र में क्या कौन से बिल पास हो सकते हैं, कयास भी लगाए जा रहे थे कि महिला आरक्षण बिल हो, मणिपुर की अहिंसा हो, उन पे चर्चा हो सकती है। लेकिन देखिए, एक ये अविश्वसनीय पल और हकदार सब साक्षी बने महिला आरक्षण बिल को लेकर, जब ये पास हुआ, और अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूमिका को निभाने के लिए। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, स्मृति ईरानी यहाँ पर आ रही हैं, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पधारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, कुछ ही देर का समय बाकी जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और अपना संबोधन करेंगे। तो स्मृति ईरानी यहाँ पर आ चुकी है, तो लगातार यहाँ पर नेताओं का आना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ गए हैं और देखिए, महिलाओं से हाथ मिलाती हुई स्मृति ईरानी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो मीडिया कर्मी हैं उनसे भी स्मृति ईरानी मिल रही हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बीजेपी मुख्यालय से ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर गौरव में ये पल है और स्मृति ईरानी यहाँ पर आ चुकी हैं। देखिए, बातचीत करती हुई वो दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। तो महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। तो ये लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और देखिए, महिलाओं के हाथ में ये पोस्टर्स भी आप देख सकते हैं, बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं, स्मृति ईरानी पहुंच चुकी हैं और सबसे हाथ मिलाती हुई बात करती हुई आगे बढ़ रही हैं स्मृति ईरानी। तो ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें अपनी टेलीविजन, अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय एक पल है जब महिला आरक्षण बिल दोनों ही सदनों में पास हो गया है और अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन होगा और पोस्टर्स लिए हुए जो महिलाएं हैं वो इंतज़ार कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनके हाथ में पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं बीजेपी मुख्यालय की, जहां स्मृति ईरानी पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे और स्वागत के लिए सब उनके लिए तैयार हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर।
तो आधी आबादी को अधिकार मिला, जश्न का माहौल है और अविश्वसनीय ये पल है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कुछ ही देर में आएंगे। अभी फिलहाल स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुँच चुके हैं। तो आधी आबादी को अधिकार मिला, जश्न का जोरदार माहौल है यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, तो ये लाइव तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से आपको दिखा रहे हैं।